वेलकम टू द शो अभिनव थैंक यू सो मच मैम एंड ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लोगों को आज पहुंचा पाऊंगा यूट्यूब के से रिलेटेड या यूट्यूब एज ए करियर से रिलेटेड सो अभिनव जितना मैं आपको जानती हूँ यार आर मकैनिकल इंजीनियर बाई प्रोफेशन सो ये यूट्यूब ये गेमिंग ये सब कुछ कब और कैसे शुरू हो गया डू टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी तो एक्चुअल में मैम इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही पिटाइयाँ भी हुई हैं घर पे अक्सर जो होता है कि एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे और आप इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स में घुसे हुए हो तो पिटाई हो रही है कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो तो वो चीज़ ऐसी थी कि मैंने अपने फ़ादर की तरफ ऐसे देख के बोला कि पापा बनना तो इंजीनियर ही है लेकिन मैकेनिकल में भी इंटरेस्ट था और एक टाइम ऐसा आया कि जब आपको डिग्री के लिए चूज करना पड़ता है कि आपने पढ़ाई कौन सी कंटिन्यू करनी है तो वो जो इंटरेस्ट था उसका परसेंटेज कुछ ऊपर नीचे हो गया एंड <laughs> मैंने मैकेनिकल चूज कर लिया so बिना this, कुछ दिस मीन्स यू डिड नॉट गो इन फॉर करियर काउंसलिंग एट दैट उस टाइम मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया एंड दो साल के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो गैजेट्स के अंदर ही है एंड दैट्स वाई मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इस टाइम अराउंड टू लैक फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास पास उस पर सब्सक्राइबर है अच्छी फैन फॉलोइंग है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस बट आई थिंक यू आर रनिंग मोर देन वन चैनल यस एक चैनल और है अभिनव स्पेस के नाम से उसको स्टार्टिंग में मैंने गेमिंग से रिलेटेड स्टार्ट किया था एंड अराउंड uh, एक साल मैंने उस पर प्रॉपर्ली लगाया है और वो भी तब लगाया है कि जब मेरा टैक्स चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था मेरे पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी मुझे था कि ये चैनल चल जाएगा लेकिन जब एक साल में लगा चुका था उसके बाद मुझे पता चलता है कि नहीं यूट्यूब पे गेमिंग के लिए मैं नहीं बनाऊँ सो so, अभिनव पहले हम आपसे पूछेंगे यूट्यूब के बारे में और उसके बाद हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे गेमिंग के बारे में सो so, पहले तो ये बताइए दैट इफ टू बी अ प्रोफेशनल यूट्यूबर क्या उसके लिए कुछ स्किल्स कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी है तो मैम जो मेरा खुद का तीन साल का एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब जर्नी में इसमें मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है विच इज 2D 2P। ओके okay. तो यहाँ पे जो टू डी है वो है डिसिप्लिन डेटरमिनेशन एंड टू पी इज पेशेंस पैशन अगर आप इन चारों चीजों को कंबाइन करके चलते हो तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी क्योंकि आपके अंदर पैशन भी है और डेटर्मिनेशन है फिर पेशेंस आप रख रहे हो कि मुझे ये करना है इसका रिजल्ट जब भी आएगा देखा जाएगा तो ये सब चीज अगर आप कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल जाएगी बट मेरा ख्याल है कि यूट्यूब में कोई टेस्टिंग पीरियड होता है फोर uh, थाचुअली तो मैम इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तब ऐसा कुछ नहीं था पहले दिन से ही अर्निंग आनी शुरू हो गई थी oh, तो विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और उसकी वजह से मैं थोड़ा ढीला ढाला भी था कि एक हफ्ते में एक वीडियो चली गई कोई नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पॉलिसी आ गई कि आपको थाउजेंड सब्सक्राइबर और फोर थाउजेंड आर का वॉच टाइम चाहिए तो मुझे लगा कि अब करना पड़ेगा क्योंकि अर्निंग बंद हो जाएगी और ये चीज़ जब अर्निंग दे रही है तो मैं क्यों छोड़ू इस चीज को तो फिर मैंने जी जान से इस पे काम करना शुरू किया इवन उस टाइम पीरियड के बीच मुझे फीवर भी रहा है लेकिन मैंने जो आपसे बात की है डेटर्मिनेशन वो चीज़ मुझे पुश करती थी कि करना ही करना है और 20 तारीख ट्वेंटी ऑफ तो फेब को लास्ट डेट थी कि आज पॉलिसी अप्लाई होनी है और उसी दिन मेरे रात को पूरे 4000 थाउजेंड आर कंप्लीट हुए और जो मोनिटाइजेशन था वो भी बंद हो गया तो मैं डर गया कि यार ये पूरा करने के बाद ये क्या हो रहा है जब मैंने ईमेल डाला यूट्यूब को तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं और आपका जो मोनिटाइजेशन है वो ऑन हो चुका है ओके okay. सो so, इसका मतलब चार हजार घंटे आपका पूरा पेशेंस टेस्ट किया जाता है यूजुअली यही सोचा जाता है कि एक दो तीन वीडियोस के बाद आपका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा आप अर्निंग्स शुरू कर देंगे बट आई थिंक ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है अराउंड थर्टी फाइव या फोर्टी वीडियोस में क्रिएट कर चुका था और उसमें इतनी मेहनत थी कि, कि किसी किसी वीडियो पर पूरी रात लग जा रही थी और वो वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रहा था काफ़ी गलतियों के साथ या कोई मिस्टेक हो गई वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है आपकी टेस्टिंग होगी और बहुत भयंकर टेस्ट होता है मतलब अगर आप पढ़ाई के लेवल पे टेस्टिंग लेके जाओगे तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा है <laughs> हाँ आई कैन वॉच इट वेल बिकॉज इस वीडियो के लिए भी वी बिन वर्किंग मॉर्निंग पहले शूटिंग फिर एडिटिंग सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम और जितना मुझे लग रहा है मेरा मे बी एक मिनट के वीडियो के लिए हम एक घंटा जो है वो पुट इन कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि आप खुद देखो कि हमने तीन घंटे खाली तैयार होने में ही लगा दिए कि तैयार होकर हमें ऐसे ऐसे लाइटिंग और ये सब चीज़ें करनी है ऑडियो एंड ये सब तो एक वीडियो को क्रिएट अगर आप कर रहे हो तो ये समझो कि जो ऑफिस जॉब है उतना ही टाइम आपका यूट्यूब चैनल पर लगने वाला है पर डे बल्कि उससे ज्यादा और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी की सारी आपके ऊपर है क्योंकि आप ही हो यहाँ पे जो सब कुछ मैनेज करने वाले हो और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा सो वट डू यू फील कि क्या पढ़ाई को छोड़ के यूट्यूब एक टीन एज में करियर की तरह लेना चाहिए तो यहाँ पे पढ़ाई को छोड़ना तो बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि पढ़ाई के साथ ही आपकी स्किल्स बोलने का तरीका मतलब सारी चीज़ें आपकी वहीं से आने वाली है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पढ़ाई को या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो मैं दोनों चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर बहुत पैसा है तो पैसा है लेकिन उसके लिए आपको जो पापड़ बेलने पड़ेंगे ना वो बहुत डिफिकल्ट है तो पढ़ाई के साथ ये जॉब के साथ करते रहो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका यूट्यूब आपकी जॉब को छुड़वा देगा पढ़ाई तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूँ मैं सो आई डू यू माइंड शेयरिंग कि आपने जब काम शुरू किया उसके कितनी देर बाद आपकी अर्निंग्स आनी शुरू हुई और आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी मैम ये मुझे इंटरव्यू का कभी ज्यादा लग रहा है नहीं मैम माइंड नहीं कर रहा हूँ और जानना भी चाहिए क्योंकि सबके माइंड में मिसकनसेप्शन होते हैं कि बहुत पैसा है और आप बहुत अंधा पैसा कमाने वाले हो तो पूरा एक साल लग गया था पहली पेमेंट में और आप हंसोगे कि पहली पेमेंट सिर्फ और सिर्फ सेवन थाउजेंड रुपीज़ की थी वो भी पता नहीं कैसे कैसे हुई लेकिन हाँ उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर दिया तो वही चीज़ है मैं अगेन रिपीट करूँगा अगर पेशेंस है तो वो सात हज़ार आपको बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं और अगर पेशेंस नहीं है तो वो उस स्टेज पर आप पहुँचोगे ही नहीं और आ, जब इनिशियल आपका टाइम था तब आप एक हफ्ते में कितनी वीडियोज़ डालते थे इनिशियली तीन से चार वीडियो मैं हफ्ते में डालता था कंसिस्टेंसी थी मेरी कि मुझे तीन से चार वीडियो करने ही करने हैं ये वाला पीरियड मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब पॉलिसी वाला जो टेस्टिंग थी वो पीरियड मैं क्रॉस कर चुका था और एक साल तक मैंने कंटिन्यू रखा एक साल के अंदर मेरे वन लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे सिल्वर प्ले बटन मेरे पास आ चुका है आपने oh, देखा भी है really nice. <laughs> तो इसका मतलब एक साल आप अपने फ्रेंड्स को नहीं मिले यू वर वर्किंग ऑल राउंड तो मैम ऐसे था कि कॉलेज जाता था साढ़े नौ बजे एक्चुअल टाइम मेरा यह था कि साढ़े नौ बजे मुझे कॉलेज पहुंचना है उससे ना पहले ना बाद में और चार दस पे क्लास ख़त्म होती थी फोर टेन पे उसके बाद तुरंत मैं घर पे और घर पे जाके फटाफट फ्रेश होना एंड वीडियो शूट करना है या फिर थोड़ा रिसर्च करना मतलब पूरा टाइम मेरा ये आता वर्किंग फॉर योर वीडियो बिल्कुल मुझे कॉलेज और उसके बाद वीडियोस हैं इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं बचता था चिल आउट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ मैं कहीं घूमने नहीं गया चार साल का जब मैं यहाँ पर आया हूँ कॉलेज में चार साल से एंड दो साल तो बिल्कुल ऐसे रहे हैं कि जो प्लान भी बनाए हैं दोस्तों ने बनाया मैं तो कहीं गया ही नहीं तो <laughs> so, इसका मतलब फन नहीं है लोगों को यही लगता है कि मे बी यूट्यूब वीडियो बनाना एक ईजी वर्क है तो इसमें कितना ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व है एफर्ट तो मैम पैशन के ऊपर है कि अगर आपके अंदर पैशन है तो आपको एफर्ट बिल्कुल नहीं लगने वाला है और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो एफर्ट बहुत है बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ यही देखते हैं मे बी टेक चैनल्स में बहुत पैसा है तो वी शुड बी मेकिंग टेक चैनल सो इज दैट अ ग्रेट थिंग टू डू अगर आपके अंदर पैशन नहीं है टेक्नोलॉजी या गैजेट्स से रिलेटेड या नॉलेज नहीं है अगर आप ये सोच रहे हो कि विकीपीडिया से पढ़ के गूगल सर्च करके और टैक चैनल में पैसा है तो मुझे बनानी टैक् से रिलेटेड वीडियो है तो मार्क माई वर्ड टेस्टिंग पीरियड भी आप क्रॉस नहीं कर पाओगे बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपटीशन टेक फील्ड में बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ सबको ये पता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आई थिंक इट्स नॉट ओनली इन टेक फील्ड अब जिस भी फील्ड में जाते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज uh, जो आज शुरू कर रहा है उससे पहले बहुत सारे लोग हैं जो उस फील्ड में हैं ऑलरेडी हैं और वो आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल आगे। चुके हैं तो यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ ये है कि अगर आप यूट्यूब पे आते हो तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है आप कितना ज्यादा डेडिकेटेडली उस चीज के लिए काम कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है और आप जाते हो टेक फील्ड में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन कुकिंग में इंटरेस्ट है और आप कुकिंग में काफी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने वाला है लेकिन आपको ओरिजिनल होना पड़ेगा क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो जो टॉप यूट्यूबर्स थे टेक फील्ड में वही एक्सेंट उसी तरीके से वीडियोस बनाना और मतलब कॉपी करना एक तरीके से लेकिन पाँच छः वीडियो के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल की वैल्यू है कॉपी की नहीं है और जिस दिन से मैंने खुद का कॉन्टेंट खुद के एक्सेंट में खुद के स्टाइल में डेवलप करना शुरू किया मजा ही आ गया और थोड़े थोड़े व्यूज़ बढ़ने शुरू हुए और एकदम से बूस्ट मिला है फिर उसके बाद YouTube की वीडियोस बनाने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है तो मैम इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल जीरो है क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है जो हमारी वीडियो देख रहा है उसके पास भी इस टाइम स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन की हेल्प से वो वीडियो एडिट भी कर सकते हैं शूट भी कर सकते हैं पूरा काम ये कर देगा स्टार्टिंग में कोई एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है जब आपको लगे अच्छे खासे व्यूज आने लगे हैं सब्सक्राइबर आपको प्रेज कर रहे हैं तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अर्न करते चले जाओगे हल्क हल्का हल्का इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपने एक ट्राईपोर्ड परचेज कर लिया एक माइक परचेज कर लिया स्टार्टिंग में आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में पावर है सारा काम वो आपका निकाल देगा और दूसरी चीज है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए वो सबसे क्रिएटिविटी का डेफिनेटली क्रिएटिविटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए मतलब वही मैं जो बात आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप तो मतलब आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वीडियोस उससे रिलेटेड बनाओ बिल्कुल बिकॉज जब भी आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करोगे यू विल बी तो मैम यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल बीबी की को आप जाके कहो कि अनबॉक्सिंग और रिव्यू करो किसी भी डिवाइस का या फिर करियर काउंसलिंग करो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो में माहिर है। और वही काम अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू इन चीजों में माहिर हूँ तो जो काम जिसका है वही करना चाहिए बहुत सही कहावत है जिसका काम उसी को साजे बिल्कुल सो अकॉर्डिंग टू यू वॉट आर द हार्डशिप्स विच आर फेस बाय तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो सबसे पहली चीज़ आती है कंसिस्टेंसी कि आपने एक शेड्यूल बनाना है कि हफ्ते में एक वीडियो या महीने में एक वीडियो आप पार्टी करो स्कूल जाओ कॉलेज जाओ जॉब कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन वो वीडियो बिल्कुल टाइम पर आनी चाहिए अगर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को वीडियो आई है तो दूसरी वीडियो आपकी फर्स्ट ऑफ नवंबर को आनी आनी चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी से आपके ऑडियंस को पता चलता है कि आप कितना ज्यादा पैशनेट हो इस चीज़ को लेके बट अगर आप ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपके जो टारगेट्स हैं वो शायद कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे और आपकी अर्निंग्स नहीं आ पाएंगे बिल्कुल मैम जो दिखता है वो बिकता है क्योंकि आपको फ्रिक्वेंट होना पड़ेगा अगर आप एक दिन भी छोड़ के वीडियो डाल रहे हो तो समझो आप एक दिन पीछे हो गए और इसी तरीके से आप महीनों सालों पीछे चले जाते हो तो सबसे जरूरी है कि कंसिस्टेंसी तो मेनटेन आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आप खुद के बॉस हो आपने खुद ही सारी चीजें मैनेज करनी है अगर आप ये नहीं करोगे तो यूट्यूब नहीं है।, Because definitely जब भी आप किसी होती definitely. है और कई बार क्या होता है जब हम खुद काम कर रहे होते हैं, ना हमें लगता है कोई बात नहीं यार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे साथ भी होता है कई बार कि आलस आ जाता है कि आज नहीं कल करूंगा और उसके बाद वो काम का जो बर्डन बढ़ना शुरू होता है ना क्योंकि जो मेरा फील्ड है टेक्नोलॉजी या फिर आप कोई वीडियो भी बना रहे हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपके ऊपर डेफिनेटली बर्डन पड़ने वाला है क्योंकि आपने एक शेड्यूल फिक्स किया हुआ है कि मुझे आज ये वीडियो बनाना है कल वो बनाना है अब जो आज आपने बनाना था वो कल बनेगा कल का परसों बनेगा और इसी तरीके से चीजें शिफ्ट होती चली जाती है तो मतलब पूरा शेड्यूल आपका बर्बाद हो जाएगा सो so, अभिनव क्या आप अपने करियर में थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहे हैं तो मैम कंसिस्टेंट तो रहा हूं लेकिन जो तीन महीने का ब्रेक आया मैंने आपसे बताया था कि एक लाख सब्सक्राइबर तक तो मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ बहुत डेडिकेशन से काम किया है तीन महीने का ब्रेक आया उसके बाद मुझे पता चलता है, कि जो मेरी है वो डेड हो चुकी है, मतलब है, तो है जहाँ पे आई थिंक रोज ही कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है बिल्कुल आपको जो नई चीजें आ रही है वो कवर करनी ही करनी है अगर आप कुछ भी छोड़ते जा रहे हो तो मतलब आप दूसरों से पीछे होते जा रहे हो सो अभिनव एज ए प्रोफेशनल यूट्यूबर लाइक टू गिव टू आर व्यूअर्स मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर किसी भी फील्ड में जंप करना है मतलब आपने YouTube वीडियोस बनाने हैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके तो वो इंटरेस्ट आपका खुद का पहले होना चाहिए और ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको इंस्टेंट सक्सेस मिल जाएगी कुछ यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि उनको इंस्टेंट सक्सेस मिल जाती है और आप उनसे इंस्पायर होकर सोचते हो कि मैं भी चैनल बनाऊंगा और मैं भी ऐसे सक्सेस हो जाऊंगा और वो चीज़ जब नहीं होती तो आपका दिल भी टूटता है और थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि, कि किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप अपना टाइम लगा रहे हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो के बस आपने एफर्ट्स डालने हैं और अपना जो पैशन है वो फॉलो करना है और यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे यूट्यूबर हो तो आप दूसरों से बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे सो अभिनव थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूट्यूब एज अ करियर अब थोड़ा सा आप बताएंगे गेमिंग के बारे में वॉट इज गेमिंग और गेमिंग एज अ करियर लिया जा सकता है कि नहीं तो गेमिंग एज ए करियर ऑन यूट्यूब या फिर आप प्रोफेशनल गेमर भी बनना चाहते हो वो आपको मेरे चैनल पर सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कनेक्टेड ऑल ऑफ यू